Yes, students, we are going to start with chapter 8, Winds, Storms and Cyclones. As you can see the title of this chapter, Winds, Storms and Cyclones. So this chapter will deal with the broadly three concepts. सबसे पहले हम winds के बारे में, winds की characteristic के बारे में ही पढ़ेंगे. Then storms, thunderstorms के बारे में we'll deal. And उसके finally about the cyclones and tornadoes के बारे में, hurricanes के बारे में हम study करेंगे. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज, जो वी कैन से इससे बहुत डिस्ट्रक्शंस भी होती हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज विंड. अब विंड को किसी ने देखा नहीं है, नो वन हैज सीन द विंड, बट वी ओनली फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट ब्लोस. अर्थ एटमोसफेयर है या अर्थ में जो एयर है वो हमेशा मूव करती रहती है, एंड द मूविंग एयर इज नोन एज विंड. Moving air is called wind. Most of the time it blows gently, creating a very soothing breeze. जब बहुत ज़्यादातर time जो wind है बहुत smoothly चलती है, जिसको हम sweet सी breeze बोल देते हैं. But कभी कभी क्या होता है कि जो wind, जो air है वो बहुत fast चलती है, उससे क्या होगा, strong powerful wind बनेगी, तो उसको हम winds बोलते हैं. और इतनी ये strong हो सकती हैं कि एक person को walk करने के लिए भी मुश्किल हो जाए. सो मीटियोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो डील करता है एटमॉस्फेयर के साथ, टेम्परेचर के साथ और उसकी स्टडी के साथ, तो जो वो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो विंड की विंड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड के साथ ज्यादा कंसर्न्ड है. तो विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड को मेयर किया जाता है. तो विंड डायरेक्शन को मेयर करने के लिए देयर इज अ डिवाइस, ये आपने मूवीज में एंड कार्टून्स में ऑब्वियसली देखा होगा. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है विंड वेन. विंड वेन, वी ए एन ई, विंड वेन. अब इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके बॉटम पे ये फिक्स्ड है, डायरेक्शन लिखी हुई है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. एज यू नो चार डायरेक्शंस होती हैं, तो ये फिक्स्ड है, जैसे भी जहां पे नॉर्थ होगा वहां पे नॉर्थ पॉइंट होगा. और यहाँ पे एक मूवेबल मेटल की वी कैन से डिस्क लगी होगी, ऐसी कोई मेटल का पीस लगा होता है, तो ये मूव कर सकता है विद द मूविंग एयर. तो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी उस डायरेक्शन में ही ये जो डिवाइस है, ये जो पीस है वो मूव करेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि विंड की डायरेक्शन क्या है. क्या वो ईस्ट डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, या वेस्ट में, या साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो कहाँ पे उसकी विंड की डायरेक्शन है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं. दैट इज यूज टू फाइंड द विंड डायरेक्शन. नेक्स्ट इज विंड स्पीड. तो विंड स्पीड का कंसेप्ट आपके पेज नंबर 90 पे है. प्लीज ओपन दैट पेज, पेज नंबर 90. तो एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें आपको विंड स्पीड को मेयर करने के बारे में बताया गया है. तो देयर इज अ डिवाइस, इट इज नेम्ड एज एनीमोमीटर. यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड, दिस टर्म, एनीमोमीटर. फिगर नंबर 8.17 यू कैन सी एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड. सो इट इज अ डिवाइस जिसका नाम है एनीमोमीटर. एंड एनीमोमीटर इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड एनीमो. एनीमो मीन्स विंड, ओके. एनीमोस, एनीमोस का मतलब होता है विंड, एंड आपको पता है मीटर का मतलब टू मेजर समथिंग, एंड एनीमोमीटर इज यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ द विंड. एंड जनरली जो विंड की स्पीड है वो फाइंड की जाती है माइल्स पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में. आई एम गोइंग टू रिपीट, द यूनिट टू फाइंड the wind speed is miles per hour or kilometer per hour, and this device is named as anemometer. It is a Greek word. It is made up from the word anemos. Anemos means wind. So direction find करने के लिए we use wind vane, and speed को find करने के लिए we use this anemometer. Next, moving towards, ये तो wind के बारे में था. नेक्स्ट वील डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द विंड, और वी कैन से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड. तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है विंड की, दैट इज एयर एग्जर्ट्स प्रेशर. दैट मीन्स कि एयर प्रेशर को एग्जर्ट करेगी. प्रेशर मीन्स आपको कोई पुश कर रहा है तो आपको एक प्रेशर फील होगा, ठीक है. अगर एयर भी आपको पुश करेगी, ठीक है, जब भी आप सपोज वॉक कर रहे हो, तो आप एयर भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है तो आपको वॉक करने में मुश्किल हो सकती है. या इवन जब आप साइकिल को, जब आप काइट फ्लाई करोगे, तो
तो आपको फील होगा कि आपको उस डोर को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अगर बहुत स्ट्रांग विंड चल रही हो। तो अगर बहुत स्ट्रांग बहुत तेज विंड चल रही है तो आपका काइट भी बहुत ऊपर तक जाएगा और बहुत प्रेशर के साथ उड़ेगा, क्योंकि एयर जो है वो उस काइट पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, उस वजह से आपको भी उस डोर को पकड़ने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि एयर काइट के ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट कर रही है। एयर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट करेगी। सपोज व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकल, अगर जो विंड है बहुत तेज चल रही है और आपके जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट विंड ब्लो कर रही है, सपोज यू आर गोइंग टूवर्ड्स राइट एंड जो विंड है वो लेफ्ट की तरफ ब्लो कर रही है, तो आपको साइकिल चलाने में भी बहुत मुश्किल होगी, आपको ज्यादा जोर से पेडलिंग करनी पड़ेगी ताकि आप उस प्रेशर को ओवरकम कर सको, आप उस प्रेशर को फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अपने आपके पास साइकिल्स होंगी तो आपने देखा होगा साइकिल के जो टायर्स होते हैं उसमें जो एयर होगी वो आफ्टर सम टाइम वो कम हो जाती है, तो आप उसको कंप्रेस करके देखते हो उस ट्यूब को, तो ट्यूब को जब कंप्रेस करके देखते हो तो वो इजिली कंप्रेस हो जाती है, दैट मीन्स उसमें एयर बहुत कम है। तो जब भी आप उसमें एयर ब्लो करोगे देन उस ट्यूब को अगर आप फील करोगे तो आपको बहुत वो रिजिड फील होगी, हार्ड फील होगी, दैट मीन्स जो उसमें आपने एयर को फिल इन किया है वो ट्यूब की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उस वजह से आपको बहुत हार्ड फील होगी। और वन मोर एग्जाम्पल, जब भी आप बेलून को ब्लो उसमें आप एयर को ब्लो इन करोगे, जब भी आपने बेलून में एयर को ब्लो इन किया तो आप क्या देखोगे कि आप फील करोगे कि जब बेलून जब फूल जाएगा तो बेलून की जो यू कैन से सरफेस है उस पर आपको एक प्रेशर फील होगा। जो प्रेशर है वो कौन अप्लाई कर रहा है? एयर। तो एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आएगी कि हमने इसमें किया क्या है। तो इसमें हमें एक टिन कैन चाहिए या प्लास्टिक बॉटल भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा वाटर चाहिए और वी कैन कोई हीट अप करने के लिए कोई गैस स्टोव या कुछ ऐसी फ्लेम चाहिए हमें, उस ताकि हम उस वाटर को हीट अप कर सके इनसाइड दी कैन। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इसमें हुआ क्या। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। दिस फिनोमिनन कैन बी सीन व्हाइल ब्लोइंग अ टॉय फैन और वेविंग अ फ्लैग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी। For this, we need a tin bottle, gas stove, and water. Fill half of the tin bottle with water. Light the gas stove and place the bottle over it and let the water boil. Now extinguish the stove and close the bottle carefully with its lid. Now pour water on the bottle. You will observe that the shape of the bottle gets distorted. Do you know why this happens? This is due to the decrease in the air pressure inside the bottle. Due to the process of condensation, some steam of the bottle gets converted into water and decreases the air pressure inside the bottle. This compresses the bottle and shape of the bottle gets distorted. सो इन दिस एक्टिविटी आपको एक बार दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि इसमें किया क्या है हमने। तो सबसे पहले सी वी रिक्वायर अ टिन कैन, ठीक है, उसमें इस एंड आपको एक गैस स्टोव चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए। देन उसके बाद आप क्या करोगे, देन उस टिन कैन में आपने वाटर को फिल किया, हाफ हमने फिल कर दिया, उसके बाद उसको हमने गर्म करने के लिए एक गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। तो जब पानी गर्म हो जाएगा ऑब्वियसली जो वाटर है दैट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर वेपर्स, ताकि वो स्टीम इसमें से बाहर ना निकले हमने एकदम से उस पर लिड लगा दिया। और लिड लगाने के बाद हमने उसके ऊपर जो कोल्ड वाटर था और इवन नॉर्मल वाटर को पॉर कर दिया उस टिन कैन के ऊपर। उस पर लिड लगाने का सिग्निफिकेंस क्या था, ताकि जो भी स्टीम अंदर बनी है वो उसके अंदर ही रहे, वो स्टीम इस ओपनिंग से बाहर ना निकले। तो हमने लिड लगा के उसको क्लोज कर दिया ताकि जो स्टीम है उसके अंदर ही रहे। उसके बाद हमने उसके ऊपर वाटर को पॉर कर दिया। अब जब वाटर को पॉर किया, आपको पता है कि टिन कैन भी गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो स्टीम्स बनी थी एकदम से जो वाटर, एंड यू नो जब टेम्परेचर राइज करेगा देन वाटर वेपर्स विल बी कन्वर्टेड टू
टेम्परेचर राइज करेगा देन वाटर विल बी कन्वर्टेड टू वाटर वेपर्स. अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा देन वाटर वेपर अगेन चेंजेस टू वाटर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन की वजह से व्हाट हैपन हियर, तो कंडेंसेशन जब हो जाएगा जो इसके अंदर स्टीम होगी, जब हमने वाटर को पोर इन किया, ठंडा पानी इसके ऊपर डाला, तो एकदम से इसका टेम्परेचर लो हो गया. तो टेम्परेचर लो होने की वजह से इस टिन कैन के अंदर जितनी भी स्टीम हुई थी कलेक्ट, उसमें से जो कुछ स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. वाटर वेपर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो इसमें जो वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए. अब वाटर वेपर्स तो गैस होती है, गैशियस स्टेट में होती है. अब गैशियस स्टेट से हमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, मतलब टिन कैन के अंदर जो एयर है, गैस फॉर्म में एयर है, वो कम हो गई. अब एयर कम हो गई तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए. अब एयर के मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए तो अंदर का प्रेशर, जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, वो भी कम हो गया. और आपको पता है आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमेशा प्रेशर अप्लाई करता है. तो अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा था. तो बाहर के एयर के प्रेशर की वजह से वो टिन कैन है वो अंदर की तरफ दब गया. इट गेट्स इट्स शेप गेट डिस्टॉर्टेड बिकॉज अंदर एयर कम हो गई, उसकी वजह से एयर का प्रेशर भी कम हो गया. बट बाहर का प्रेशर तो नॉर्मल था, बाहर का प्रेशर अंदर के कंपैरेटिवली ज्यादा था. तो बाहर के प्रेशर ने ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर वाले को दबा देगा. तो बाहर का प्रेशर ज्यादा था, अंदर का प्रेशर कम था. इस वजह से व्हाट हैपेंस, जो टिन कैन है उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई. अब नाउ व्हाट हैपेंस देयर, सी जैसे हमने वाटर को पोर किया तो बाहर के प्रेशर की वजह से, बाहर की एयर की प्रेशर की वजह से उसने इस कैन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, उस वजह से ये टिन कैन की शेप डिस्टॉर्ट हो गई. सो आई गेस आपको ये क्लियर होगा व्हाट हैपेंड हियर. सो एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड. द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस. Then the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. तो इस वजह से जो can है वो compress हो गया. और इस activity से हमें clear हुआ that air exerts pressure. जो बाहर की air थी उसने tin can के ऊपर pressure exert किया, उस वजह से जो tin can की shape थी वो distort हो गई. So this was about the first property. I'm going to repeat again. The first property was air exerts pressure. That means air किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी. इसमें हमने देखा था जैसे काइट फ्लाई कर किया जाता है तो भी what happens here, जब काइट फ्लाई करते हो तो बहुत, अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही है तो आपको काइट उड़ाने भी मुश्किल होगी. आपको बहुत जोर से उस डोर को पकड़ना पड़ेगा ताकि आपके हाथ से वो छूट ना जाए. आपको फील होगा कि एयर है वो काइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है. अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड में आप साइकिल को चला रहे हो तो भी आपको मुश्किल आएगी. तो आपको लगेगा कि कुछ ना कोई चीज हमें रोक रही है, एयर हम पे प्रेशर लगा रही है. सिमिलरली आपको जब आप एयर को फिल इन कर दोगे साइकिल बाइसाइकिल के टायर्स के ट्यूब्स में, देन आपको उसमें क्या फील होगा, आपको फील होगा कि एयर के जो ट्यूब्स हैं वो भी आपको उसकी वॉल्स पे प्रेशर फील होगा. उसके बाद जब आप बैलून को फिल इन करते हो, बैलून को जब फिल इन किया तो भी आपको उसकी वॉल्स पे प्रेशर आपको फील होगा. सो और लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा था टिन कैन वाली. तो टिन कैन को जब आपने हीट किया उसमें से जो एयर का अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया टिन कैन के, बाहर का प्रेशर ज्यादा था. तो ऑब्वियसली एयर का जो प्रेशर था उसने टिन कैन पे प्रेशर एग्जर्ट किया, मतलब एयर ने अपना प्रेशर एग्जर्ट किया, उस वजह से जो टिन कैन की शेप थी वो भी डिस्टॉर्ट हो गई. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हम शुरू करेंगे, उसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. दैट मींस जितनी भी विंड अगर हाई स्पीड पे होगी, जितनी ज्यादा तेज विंड चलेगी उस जगह का, उस एरिया का जो प्रेशर होगा एयर का वो कम हो जाएगा. जितनी तेज विंड चलेगी उतना प्रेशर कम होगा, जितनी स्लो विंड चलेगी उतना प्रेशर एयर का उस एरिया में ज्यादा होगा. तो आपको ये भी इस एक्टिविटी के थ्रू ही समझ आएगा कि हम व्हाट आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन यू. तो जितनी ज्यादा स्पीड विंड की ज्यादा होगी उस एरिया में एयर का प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा. थ्रू दिस वीडियो
आप सुनिए, आप देखिए, उसके बाद आई विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑल्सो. विंड एंड एयर प्रेशर. Do you know that high-speed winds can blow away the weak roofs of buildings? High-speed winds are accompanied by reduced air pressure. Let us see an activity. Take a piece of paper and crumple it into the small ball. Now hold the empty glass bottle and place the paper ball just inside its mouth. Try to blow the ball to force into the bottle. Observe carefully. The paper ball is not moving inside the bottle. Do you know why? Actually, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the bottle. When we blow the ball inside the bottle, the air inside the bottle pushes the ball out. So, children, we concluded that increased wind speed is accompanied by reduced air pressure. Wind and air pressure. Do you know that high speed? So, इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा? So, you require a bottle and a piece of paper जिसको आप crumple कर लोगे into a ball. Then, what you have to do? आपने एक bottle लेनी है. उसके आपने mouth पे आपने ऐसे एक sheet of paper रख देना है crumple करके. उसके बाद आपने उसमें air को blow in करना है. तो जनरली हम यही सोचेंगे कि हमने जब उसको एयर को ब्लोइंग किया तो वो पेपर अंदर जाना चाहिए, बिकॉज हम बाहर से उसको एयर कर रहे हैं. बट टू आर सरप्राइज वी विल सी कि जो उस जो ये पेपर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा राधा कि वो अंदर की तरफ जाए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. बिकॉज हमने यहाँ से हाई स्पीड विंड, हमने बहुत जोर से उसको फूक, वी कैन से विंड हमने अप्लाई की, एयर ब्लो इन की. उसमें क्या हुआ, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी सेज कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा. तो जितनी ज्यादा आपने जोर से एयर को उसमें ब्लोइंग किया, ठीक है, उतना ज्यादा यहाँ पे इतना प्रेशर कम हो गया, बिकॉज प्रेशर एयर का उस जगह पे कम हो जाएगा. तो माउथ के पास जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स लो प्रेशर एरिया. बट बॉटल के अंदर तो नॉर्मल प्रेशर था, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बॉटल के अंदर है और लो प्रेशर बॉटल की माउथ के पास है. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. उस वजह से जो पेपर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा राधा की वो अंदर की तरफ जाए. सो इस एक्टिविटी को हम खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं. सी, प्लीज पिन माई वीडियो सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. पिन माई वीडियो ऑन योर स्क्रीन्स. सो फॉर दिस एक्टिविटी यू रिक्वायर अ प्लास्टिक बॉटल. उसके बाद आपको एक शीट ऑफ पेपर चाहिए. मैं इसको क्रम्पल कर रही हूँ इनटू अ बॉल. ओके, आई एम गोइंग टू प्लेस दिस शीट ऑफ पेपर, क्रम्पल्ड बॉल. दिस इज थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि वो उसमें बिल्कुल फिट इन ना आए उसके माउथ पे. ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसको साइज कम कर लिया ताकि वो इसके अंदर, आई वॉन्ट कि वो इसके अंदर जाए, तो वो इसके अंदर इजिली जा पाए. इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया. आई हैव प्लेस्ड अ क्रम्पल्ड शीट ऑफ पेपर इन टू द माउथ ऑफ द बॉटल. सी, ओके, तो जनरली वी विल थिंक कि मैं जिसमें अगर एयर को ब्लो इन करूंगी then what will happen, जो पेपर है वो अंदर की तरफ जाएगा, बिकॉज मैं इस पे बहुत जोर से विंड अप्लाई करूंगी. चलिए देखते हैं what happened here. Okay, you can see पेपर बाहर आ गया, अंदर नहीं गया. हम जनरली सोचते हैं कि एयर को जब ब्लोइंग किया तो पेपर अंदर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज मैं इस पे इतनी जोर से विंड अप्लाई कर रही हूँ, बट ये बाहर की तरफ आ रहा है. अगेन वी आर गोइंग टू ट्राई दिस. Again, the paper come outside. So, इसमें इस property का बहुत ज़्यादा इसमें apply हो रहा है. Reason being कि जब मैंने wind, जब मैंने air को blowing किया तो मैंने बहुत high speed से wind को apply किया. तो बहुत ज़्यादा high speed of wind means reduced air pressure. तो वहाँ का pressure कम हो जाएगा.
अगर बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा स्पीड से मैंने एयर को ब्लो इन किया जैसे मैंने अब किया, तो इस एरिया में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी स्पीड ज्यादा होगी एयर की, विंड की ज्यादा स्पीड होगी, तो उस एरिया का टेम्परेचर, उस एरिया का प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा. तो इस एरिया का एयर प्रेशर कम हो गया और बॉटल के अंदर तो नॉर्मल प्रेशर था जैसे पहले था, तो यहाँ का प्रेशर कम है बट बॉटल के अंदर प्रेशर ज्यादा है. तो बॉटल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है बट बॉटल के माउथ के पास जो प्रेशर है वो कम है. तो आपको पता है कि एयर जो विंड होगी वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेगी. तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस वजह से विंड इस तरफ चली और इस उसकी वजह से जो पेपर है वो बाहर की तरफ आ गया राधा की वो अंदर की तरफ जाए. सो आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू. इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वील परफॉर्म इट इन द नेक्स्ट सेशन. So if you have any doubt in this part, you may raise your hand and ask your doubts.